नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। टोक्यो ओलंपिक के 14वें दिन की शुरुआत भारत के लिए अच्छी रही। भारतीय पुरुष हॉकी ने आज इतिहास रच दिया। टीम ने 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए ब्रांज मेडल जीता। 1980 के बाद हॉकी में भारत के लिए यह पहला मेडल है। भारत ने जर्मनी को स्कोर 5-4 से हराया। इससे पहले 1980 में वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में टीम को गोल्ड मिली थी। पुरुष हॉकी टीम के जीतते ही बधाइयों का तांता लगना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रांज मेडल जीतने पर बधाई दी तो खिलाड़ियों के घर और गांव में जश्न का माहौल है। नेताओं के साथ कई सितारे भी टीम को बधाई दे रहे हैं। इंडियाज मेंस हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक।